तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम अभी आ चुके हैं और संकिसा में। तो यह है कंबोडिया बुद्धिस्ट टेंपल। तो कंबोडिया जो है यहाँ में एक बुद्धिस्ट टेंपल बनाए हैं, तो यहाँ पे घूमने आए हम दो दोस्त और मैं। ये गेट ऐसा दिखता है, काफ़ी ब्यूटीफुल करके बनाए हैं। तो अंदर जाके देखेंगे हम, अभी हम अंदर जाएंगे तो देखते हैं अंदर में कैसा है। तो गेट में घुसते ही ऐसा दिखाई देता है। ये पे एक बुद्धा स्टैचू बना के रखा है। तो ये देखो टेंपल, अभी हम देख रहे हैं पूरा घूम के। तो ये देखिए ऐसा दिखता है पूरा टेंपल। अभी अंदर जाके देख रहा है कैसा है, इधर से जाते हैं अंदर में। तो ये है स्तंभ का नीचे वाला हिस्सा, लोग कूद रहे हैं ऐसे दिखता है। तो ऐसे साइड में घूम रहे हैं हम, साइड में ऐसा दिखता है। ये देखिए स्नैक, ये देखिए ये बनाए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल करके बनाए हैं। ये पीछे का गेट, पीछे से भी सीढ़ी है। ये पे एक स्टैचू रखा है बुद्ध का स्टैचू। खोलने नहीं क्यों नहीं, देख सकता है। ये देखिए मूर्ति है, तो ये लेटा हुआ है बुद्ध का स्टैचू। तुम्हें क्या लग रहा है, अभी तुमने जान ही नहीं पाया था। नहीं, हम ये पे रखा है लाके। ये कहाँ में लगेगी होगा ना, कहीं लगा देगा होगा ये। ये देखो बहुत ही बड़ा है, ये भी अभी रखा है इसमें, तो बाद में लगाएंगे। ये देखिए लेटा हुआ स्टैचू, आई है कंबोडिया से आई होगी। हाँ, कंबोडिया से ही आई होगी ये भी। हाँ, तो ये लेटी हुई मुद्रा में आई है, ये इसी मुद्रा में एक्सपायर हुई थी। यह है स्नैक, उत्तराखंड में ऐसा, हिमाचल प्रदेश में ऐसा ही लोकेशन है, ऐसे सांपन ऐसे ही लोकेशन है। तो अंदर देखते हैं अभी। हाट में लोग आए हैं घूमने के लिए, कुछ कुछ बहुत अच्छा अच्छा पेंटिंग बना के रखा है पूरा। ये सब पेंटिंग बना के रखा है। यह है बीच में स्टैचू बुद्ध का मूर्ति, ये सब पेंटिंग बनाए हैं। पीटर ये ढोल है बड़ा वाला, ये है मां परिनिर्वाण का फोटेस। ये सब पेंटिंग किया है अभी, ये जो बाहर था पूरा। ये कंबोडिया बुद्धिस्ट टेंपल को घुमाए हम, तो अभी जाएंगे और एक दूसरा टेंपल में। ये कंबोडिया बुद्धिस्ट टेंपल का सीधा सामने में ये स्तंभ बना के रखा है, और ये बुद्ध स्टैचू। यहाँ में एक बुद्ध स्टैचू है और ये स्तंभ बना के रखा है। ताइवान ने बनाए हैं ये स्तंभ और ये बुद्ध स्टैचू दोनों। ये अशोका फिलर है बना के रखा है इसमें, और सबसे ऊपर में एक हाथी का स्टैचू दिया है। वेलकम टू सिशिन स्तूपा चंकिसा, ये पे लिखा है नाम ऐसा दिखता है अंडर में। ये बोर्ड डोडो स्तूपा बना के रखा है। ये है म्यांमार का बुद्धिस्ट टेंपल, म्यांमार ने यहाँ में एक बुद्धिस्ट टेंपल बना के रखा है। लॉक है तो अभी हम अंडर नहीं जा सकता है, बाहर से कुछ ऐसा नजारा दिखता है। ये ऊपर में बुद्ध का स्टैचू दिया है, तो कुछ ऐसा दिखता है नजारा। ये जापान बुद्धिस्ट टेंपल है, तो यहाँ पे अभी हम घूमेंगे। ये है जापान बुद्धिस्ट टेंपल, तो जापान ने यहाँ में ये बुद्धिस्ट टेंपल बनाया है।
तो वहाँ में भी रहने का एक बिल्डिंग बनाया है, ऐसा दिखता है। अभी हम अंदर जाके देखेंगे। गेट अभी खुल रहा है तो अंदर में कुछ ऐसा दिखता है, एक ही बुद्धा स्टैचू है। तो यहाँ में भी एक स्टैचू रखा है, ऊपर में कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे छोटा छोटा स्टैचू बहुत सारा रखा है। ये देखिए बहुत सारा स्टैचू, छोटा छोटा बुद्धा का मूर्ति, क्या क्या मूर्ति रखा है इसमें। यही है अंदर में, अच्छे से बने। ये है श्रीलंका बुद्धिस्ट टेंपल, यहाँ पहुँचे हैं हम। तो अभी हम 2 बजे का समय, 2 बजे सुबह खुला है। तो कहाँ खुला है ये देखो, चलो खुला है, खुला है चलो। तो अंदर जाके देखते हैं कैसा बने हैं। तो अभी हम घूम रहे हैं श्रीलंका बुद्धिस्ट टेंपल। ये सारे घर बना के रखा है। तो यह पे है एक स्तूपा बना के रखा है, और श्रीलंका वहाँ में है एक बुद्धा स्टैचू। ये भी लोग कर रखा है, देखो क्यों रे स्तूपा सुन ही नहीं रहा। ये तमिल भाषा लिखा है, श्रीलंका में तमिल है ना, पता नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे मूर्ति बना के रखा है, और यह है बुद्धा का स्टैचू। ये देखो बुद्धा का स्टैचू बहुत ही अच्छे से बनाए हैं। और ये पे है एक बनियान ट्री, तो इसका सारा तरफ भी बुद्धा स्टैचू बना के रखा है। ये सारे तरफ हाथी का मूर्ति बना के रखा। ये स्तूप का एंट्री बुद्धा स्टैचू। अरे बहुत ही गर्म है। अच्छी आ रही है। तो यहाँ में इतना सारा बुद्धा का टेंपल बनाने का मकसद कुछ और है, जो कि बुद्धा से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए बहुत सारे कंट्री आके यहाँ में बुद्धा का टेंपल बना रहे हैं, और अभी बनाते ही जा रहे हैं। काफ़ी कंट्रियाँ आती जा रही हैं और अपने अपने टेंपल बनाते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बुद्ध की मौसी जी थे ना, प्रजापति थी या, तो वो यहीं की थी। तो गौतम बुद्ध अपनी मौसी को उपदेश देने के लिए आए थे यहाँ पे। 3 महीने के लिए इन्होंने शिक्षा दी थी यहाँ के लोगों को गौतम बुद्ध ने, तो इस वजह से यहाँ पे टेंपल बना रहे हैं काफ़ी कंट्रियाँ। बुद्धा ने यहाँ में ये जगह पे, ये जगह का नाम क्या था, संकिसा यूपी में, तो फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट संकिसा में बुद्धा ने 3 महीना रुका था। तो इसी वजह से ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक बुद्धिस्ट के लिए। तो इसलिए जितना भी बुद्धिस्ट कंट्री है, जापान, कंबोडिया, ताइवान, म्यांमार, जितना भी है सारे, मतलब ये रोड का किनार पे टेंपल बना रहे हैं, जो कि, और जो हम स्तूपा में गए थे वो स्तूपा में वो दर्शन दिया था ना गौतमी को, प्रजापति गौतमी को जिस जगह में, जिस स्तूपा में गए थे, जो हिंदू लोग ने कब्जा करके रखा है, उसी पे बुद्धा ने प्रजापति गौतमी को उपदेश दिए थे। तो इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी हम वापस चलेंगे। तो मैं वीडियो को यहाँ में एंड करता हूँ। सबको नमो बुद्धाय, बाय।